क्या नाम है आपका? अंजना जी। जी कहाँ के रहने वाली हैं? हम गाजियाबाद। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ, बस यही जानना चाहते हैं कि चूंकि चुनाव चल रहा है अब 2024 का, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी जी, बिल्कुल। क्या बात है अंजना मैम, आने भी चाहिए मोदी जी। क्यों मोदी जी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? ये राहुल गांधी तो यंग है अभी तो। हम लोग बचपन से ही बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। हाँ। और बीजेपी जिंदाबाद। मुझे लगता है बीजेपी इंडिया का उद्धार कर सकती है और कोई नहीं, और मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं। अच्छा, बनारस में आई हैं, पहले कब आई थी? सबसे पहली बार आज बनारस में आई हूँ, और इसीलिए आई हूँ कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र रहा है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो मोदी जी जरूर आएंगे ही। बिल्कुल। मुकेश, मम्मी को बुलाते ना? मेरी मम्मी। जी जी, मम्मी को इसलिए बुलाना चाहूंगी क्योंकि मम्मी बीजेपी से रही हैं। अच्छा अंजना, हमें बहुत अच्छा लगा कि बाकी कई लोगों से हम पूछ रहे हैं, हमें खुद जाना पड़ रहा है, कई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कई नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से आई हैं। हाँ, मुझे आना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीजों के लिए वैसे ही इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो आई लव टू बी। अच्छा, आप क्या करती हैं मैम, जॉब वगैरह कर रही हैं? मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं बहुत कुछ पास्ट में भी कर चुकी हूँ, और मेरी मम्मी पॉलिटिशियन रही है, तो हम लोगों का बैकग्राउंड ही रहा है राजनीति से। अच्छा। तो बचपन से हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। हाँ। तो मोदी जी कहीं नहीं गए, वही आने वाले हैं। सीएम के तौर पे क्या लगता है, योगी जी आएंगे? योगी जी तो आएंगे, योगी और मोदी ने ही देश संभालना है, और किसी ने। समाजवादी पार्टी से कोई लाल टोपी नहीं आएगा? कभी नहीं है समाजवादी पार्टी है ही नहीं गई। जो राम मंदिर जो बना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितने बार पास कर देते, तब भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाते जी। नरेंद्र मोदी है जो बना के दिखाया जी। राम मंदिर। अच्छा, जो आज भाजपा एक तरफ हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, वन साइड हो रही है भाजपा, और मोदी जी आ रहे हैं 100% ये है कि मोदी जी ही आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं 400 पार, बिल्कुल 400 पार। आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, ये डायलॉग है। हम आगे पीछे हो जा रहे हैं। क्यों बाकी और दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए, दूसरे नंबर पे कौन है? कोई नेता ही नहीं है। कोई नहीं है तो कोई भी नहीं है। मायावती डेड हो गई, वही बैठी है। अखिलेश यादव देखो अब जोर तोर कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। रह गया राहुल, उसका तो कहीं नाम ही नहीं हो। तो कांग्रेस तो गया बिल्कुल, कांग्रेस ना। अच्छा, कांग्रेस को डुबाने में किसका हाथ है? कांग्रेस अपने डूब गए हो तो डूबे हैं, किसी का कोई हाथ नहीं है, वो खुद डूबे हैं। वो खुद डूबे, उन्होंने कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? गीता भाटी पार्षद। और अंजना? अंजना भाटी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद। तीन ऑप्शन देंगे हम आपको प्रधानमंत्री के लिए, आप बताइए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन राहुल गांधी, तीसरा ऑप्शन वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है। नहीं, मोदी बनना चाहिए, हमारा खौफ ही नहीं है। ठीक है, मोदी बनना चाहिए, आपका चांस आना चाहिए, हमारा भी चांस आना चाहिए, आएगा आएगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया है ना, बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा सुमित कनौजिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का हूँ। लखनऊ के हैं, ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप कौन बनना चाहिए, योगी या फिर लाल टोपी यानी कि समाजवादी वाले? नहीं, वैसे तो योगी को रहना। योगी 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 बनेंगे। हाँ भैया, फोटो वोटो निकालते हैं आप? ये फोटो वोटो निकालते हैं ना जी? कितने रुपए कॉपी निकालते हैं? 30 रुपए प्रिंट आउट। 30 रुपए प्रिंट आउट। अच्छा, दिन भर में कितना फोटो निकाल देते होंगे? 50-60। 50-60 का मतलब कितने रुपए हो गए टोटल? आपको भैया आपका 1500-2000 समथिंग। 1500-2000 समथिंग, मतलब 2000 पर डे आपकी कमाई हो रही है। जी जी, है ना जी, मतलब 60,000 रुपया महीना। हाँ, 60,000 रुपया महीना। झाल मजीरा। झाल मजीरा, आप कितना सेल कर लेते हैं दिन भर में? कम से कम 100-150 पीस। कितने रुपए का सेल होता है ये 60-70-100 रुपए 200 रुपए? तो मान लीजिए दिन भर में कितनी कमाई हो जाती होगी? 2000-3000-4 जैसा हो जाएगा। 2000-3000-4000? 2000-3000। फायदा है। मतलब ये समझ लीजिए लगभग भैया 60,000-70,000-80,000 रुपए तो ये तोड़ दे रहे महीने के। यस। अरे महाराज क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को जब देखते हैं ना, तो अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यार गरीब आदमी है, क्या कर रहा है और ऐसे ही बस काम चल रहा है। लेकिन भैया ये रिस्पेक्टेड पर्सन है जो घूम घूम के अपने दम पे मेहनत कर रहे हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमको 2-4 रुपया दे दो, लो बेचो और पैसा दो, है कि नहीं? करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी, यहाँ पे जब आप लोग ये कर रहे हैं और उसका दिन कहीं ना कहीं मोदी जी का है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को इतना अच्छा से उन्होंने डेवलप किया है कि टूरिज्म का बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो गया ना। ठीक, टूरिज्म और बढ़िया है।
और ऐसे ऐसे लोगों से मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे। किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। जाते जाते एक सॉन्ग सुना के जाएंगे क्योंकि हम म्यूजिक क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतबार आपके वादों पे कर लिया, बात एक रात की थी मगर देखिए, बात एक रात की थी मगर देखिए। इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, लोग डरते हैं कातिल के परछाई से, लोग डरते हैं कातिल के परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। एक बार सभी लोग बोलिए हर हर महादेव। और अच्छा लगा तो हर हर महादेव। ले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? अमृतेश यादव फ्रॉम बलिया। बहुत बढ़िया भैया, इनको थोड़ा शेयर वेयर करिए। और ये भैया जबरदस्त आपका चैनल यूट्यूब पे। हाँ, अमृतेश यादव, उस पर 704 सब्सक्राइबर हैं, तो फैंस फॉलोइंग थोड़ा हो सके तो बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्या नाम है आपका भैया? अश्वनी नाम, हमेशा याद रहेंगे। और कैसे हैं? अच्छे हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? वाराणसी के। वाराणसी वाले, देखिए बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा पास में, हम तो ये चाहते थे वाराणसी के लोग थोड़ा मिलें। और बताएं कि 2024 चल रहा है और चुनाव भी आने वाला है, हो ही रहा है अब, तो ये बताएं कि 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसका चेहरा देखना पसंद करेंगी? मोदी जी ही चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी चलेंगे। नरेंद्र मोदी ही चलेंगे, आप बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 18 साल के हो ही नहीं नरेंद्र मोदी। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए दीदी कौन जीतेगा? मोदी ही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मतलब योगी जी फिलहाल अच्छा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से योगी जी। राहुल गांधी के विषय में क्या ख्याल है? राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती जितना अभी फिलहाल योगी जी के बारे में जानती हूँ। जो काम करेगा उसी के बारे में, जो अच्छा करेंगे उनका अच्छा। मैं जानता था आपके विचार में यही आ रहा है। चलिए आप जानते थे फिर क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है ना। क्या नाम है आपका? संजू। संजू मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।